हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केवीके व्लॉग। सो गाइस, कैसे आप लोग? आज मैं अपनी बाइक दिखाने वाला हूँ कि जो कि मैंने मेरी बजाज CT 100 थी, उसको मैंने पूरी की पूरी कस्टमाइज की है। और गाइस, उसको मैंने पूरा लोड किया है। अभी तक जितना लोड करी है मैंने, उतना ही दिखाऊँगा और आगे और लोड करने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए क्या क्या मैंने उसमें इंस्टॉल करे हैं और कितने खर्चे आए हैं, क्या क्या हुआ उसमें, उसको मॉडिफाई करने में कितना खर्चा आया है। भाई लोग, बाइक बहुत पुरानी है, लाइक 2005 या 4 मॉडल होगा आई थिंक। और गाइस, को मैंने A to Z पेंट, पूरे पार्ट जितने सब पूरे पेंट करवा दिए और बाइक को टोटली मॉडिफाई किया है। सो आप लोग देखते रहिए, और कुछ चीज़ें अभी करनी बाकी है, वो आपको बैक टू बैक हम लोग दिखाते रहेंगे। सो अभी देखते रहिए इतना ही, और आगे देखिए। तो गाइस, चलिए आप लोग को दिखाता हूँ बाइक को, और धमाल मचाते हैं पूरे वीडियो में। सो लेट्स गो, देखते रहिए। तो गाइस, मैं अभी आ चुका हूँ एक तगड़े से लोकेशन पे, जो कि पीछे मेरे देख सकते हैं आप। लोकेशन कुछ ऐसा है, और यहाँ मैं बाइक लेके आ चुका हूँ और दिखा रहा हूँ आपको क्या क्या मैंने इंस्टॉल किया इसमें। सो गाइस, फाइनली ये है वो बाइक जो कि मैंने कस्टमाइज करी, आप पीछे मेरे देख सकते हैं। और इसको मैंने लोड करा है, और आगे से अभी और इसको लोड करना है, क्योंकि गाइस यार इसमें मैंने ज़्यादा कुछ मॉडिफिकेशन किया नहीं है। रोड लीगल बाइक बनाई है, और गाइस बाइक बहुत ऑसम चल रही है। साउंड वाउंड भी आपको सुना दूंगा। और ये देख सकते हैं, मैंने इसमें बुलेट का हेडलाइट इंस्टॉल किया हुआ है, जला के भी आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं, रिंग भी जलती है, पूरी लाइट भी जलती है। और ये KTM के इंडिकेटर्स चारों तरफ लगाए हैं, और ये कुछ मड गार्ड ऐसा दिखता है। स्टिकरिंग हमने अभी ज़्यादा करी नहीं इस पर, स्टिकरिंग करनी है। ये पीछे का थोड़ा पार्ट हमने स्टिकर लगाया है, और इधर अभी टैंक वगैरह पे स्टिकरिंग करना बाकी है। और बाइक को फुली पेंट करवा दिया है हमने। इसके पेंट में कॉस्ट गया था अराउंड 5,000। और ये देख सकते हैं, इसमें आफ्टर मार्केट हैंडल भी इंस्टॉल किया हुआ है मैंने। तो ऐसी ही दिखती है कुछ बाइक सामने से, और आपको इधर से सामने से भी दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं, ये देखिए ऊपर से बाइक कुछ ऐसी दिखती है। और अभी इसका मीटर, सिंगल स्पीडोमीटर इस पे इंस्टॉल करना है, इसलिए मैंने इसको पूरा पैक करके रखा हुआ है। तो इसको जल्दी इंस्टॉल करेंगे, और इसका आपको पार्ट 2 भी जल्दी दिखाएंगे। गाइस, ये लोकेशन बहुत औसम है, ये मुबारकपुर में पड़ता है, ये अली नगर का पोखरा है, और सामने में थाना भी है मुबारकपुर का, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ लोग भी अभी बैठे हुए हैं, और यार यहाँ अच्छा है। अभी 4 बज रहे हैं और धूप बहुत ज़्यादा है, यहाँ पेड़ वगैरह भी हैं, तो इसलिए यहाँ थोड़ा अच्छा लग रहा है। सो गाइस, और बताइए मैं बाइक में क्या क्या लोड कर सकता हूँ, मैं इसमें लोड कर सकता हूँ। सो आप फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए। और इसको मैं पूरा लोड करना चाहता हूँ, ओनली वन इन इंडिया के नाम से जाना जाए ये बाइक। सो मिलते हैं आपको ऐसे किसी बढ़िया से ब्लॉग में। और गाइस, अब डेली ब्लॉग्स आएंगे, सो चैनल को सपोर्ट करिए। मैं पूरा अपना मन लगा दिया हूँ यूट्यूब में, सो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने फैमिली मेम्बर्स के को भी शेयर करिए, फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया सी अगली वीडियो में, बाय बाय। मेरे साथ कोई है नहीं कैमरामैन, इसलिए मैं अकेले ही वीडियो चला के बना रहा हूँ, सो आप लोग देखते रहिए। भाई ये बाइक भी बहुत पुरानी, और यार इसका माइलेज वाइलेज तो ऑसम है, तो बहुत पुरानी, आई थिंक 2004 मॉडल है, और बाइक बहुत एक नंबर चलती है, मक्खन।